through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. तो फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा जगह, जैसे आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, पूरा पहाड़ी पहाड़ है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ऊपर चलते हैं और आप लोग को दिखाते ऊपर से। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा सीन है, बहुत ही प्यारा सा सीन है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आपको पूरा दिखाएँगे कैसे ऊपर चढ़ते हैं, कैसे कैसे ट्रैकिंग करते हैं, पूरा दिखाएँगे। मैं अपने फ्रेंड्स लोग का वेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, लोग भी आ रहे होंगे। फिर चलते हैं, आप लोग को ऊपर लेके चलते हैं और आप लोग को पूरा दिखाते हैं कि कैसा है ऊपर का सीन। तो एक भी जगह वीडियो स्किप मत दीजिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं ऊपर। हमारे फ्रेंड्स आ चुके हैं, चलते हैं। ये यहाँ से हमको जाना है स्ट्रेट। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, चलते हैं। अभी वैसे बहुत भीड़ लग रहा है, चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स गाड़ी पार कर दिए हैं। ये अंकल के पास हम लोग ने हेलमेट वेलमेट रख दिया। अगर आप लोग भी आएंगे तो अंकल के पास रख दीजिएगा, सब सेफ रहेगा। चलिए चलते हैं ऊपर, आप लोग को दिखाते हैं कि कैसा रहेगा यहाँ का सीन। बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, बहुत ही ऊपर चढ़ना है अपने को। तो चलते हैं। बहुत ही मेरे को तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ से दो रूट गया हुआ है, तो यहाँ से चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे। बहुत ही मज़ा आ रहा है घूमने में। आप लोग को भी दिखाते हैं लेके, ये कितना खूबसूरत सा है। देखिए आजू बाजू पूरा पेड़ ही पेड़ है। ऊपर तक के अपने को ट्रैक करना है पूरा। तो चलते हैं, ये यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है। चलते हैं आगे। ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से अभी से चट्टान दिख रहा है, ये देखिए। तो इतना ऊपर चलना है अपने को। अभी खड़ा चढ़ाई है, खड़ा चढ़ाई है। चलते हैं, हार नहीं मानते। आप लोगों को कैसे भी दिखाना ही है ऊपर। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे खड़ा ही चढ़ाई है, तो आप लोग आए तो थोड़ा सा देख के आए। चलते हैं, आप लोग को ऊपर इसके सुपाल पहाड़ के बारे में बताएंगे। अगर कोई मिलता है तो आप लोग उनसे पूछते हैं। पर एक मंदिर भी है, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए बड़ा सा चट्टान है, बड़ा सा चट्टान है, देखिए। चलो चलते हैं आगे। यहाँ पूरा चट्टानी चट्टान है, देखिए। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू चढ़ ही रहा है अपन। हमको करीबन 1 किलोमीटर हो चुका है चढ़ते। अभी और जाना है बहुत, 1-2 घंटा है चढ़ने के लिए। खड़ी चढ़ाई है। फ्रेंड्स अभी बहुत खड़ा चढ़ाई है। आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ये मंदिर भी आप लोग को दिखेगा, ये दर्शन करके आप ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए सो फ्रेंड फाइनली हम पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं बचा है। ऊपर से आप लोग को नज़ारा दिखा देंगे, बहुत ही खूबसूरत सा है। हालत ख़राब हो गई चढ़ते चढ़ते। चलिए चलते हैं, पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए आज पूरा दिख रहा है। चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, देखिए बहुत ही खूबसूरत। अभी और आगे चलना है, चढ़ते हैं ऊपर। थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं बचा है, बहुत ही पास है, चलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है। चलो आप लोग को भी दिखाते हैं कितना ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पे इतना खूबसूरत सा झरना है कि मुझे मत मानने के लिए, इसलिए यहाँ इतना एक्साइटेड था। ये तो आप लोग को दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ के लोग बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ पे एक राजा रहा करता था, उसकी 2 रानी थी। तो दोनों के लिए अलग अलग तालाब थे, यहाँ पे दोनों अलग अलग तालाब में नहाया करती थी। और बोलते हैं कि यहाँ पे ना जैसे कोई गलत काम करता था तो राजा उसको ना यहाँ पे लटका देता था और यहाँ से बाहर मतलब पहाड़ी के नीचे फेंक दिया करता था। यहाँ के जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियों के पेड़ हैं फ्रेंड्स, बहुत से आज भी पुराने राजा महाराजाओं के हथियार यहाँ पे हैं। और यहाँ जो आप लोग तालाब देख रहे हैं ये सब पुराने राजाओं के मतलब पुराने राजा लोग खोदे हुए थे ये तालाब को। अगर फ्रेंड्स इसको अगर टूरिस्ट प्लेस बना दे जाए तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनको बहुत सारे बेरोजगार मिलेंगे और बहुत मतलब यहाँ के लोगों के बारे में पता चलेगा लोगों को, क्योंकि ये बॉर्डर में पड़ते करके इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बट इसको टूरिस्ट प्लेस मेरे तरफ से तो बना देना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है। और जैसे कि यहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर यहाँ टूरिस्ट प्लेस बना दे जाए तो। और अगर आप बरसात के समय आ रहे हैं तो क्या ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। मैं मिस कर दिया, बट मैं एक बार और यहाँ आऊँगा आप लोग को दिखाने के लिए कि कैसा रहता है यहाँ पे बारिश के टाइम में, कितना ब्यूटीफुल झरना ऊपर से गिरते रहता है। तो अभी तो नहीं गिर रहा है, बट मैं आऊँगा और आप लोग को ज़रूर से दिखाऊँगा फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत रहता है बारिश के टाइम में। तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ आके। फाइनली मैं जो सोचा था वो फाइनली मैं आ गया, इतने दिन वेट करने के बाद। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को और दिखाते हैं इधर साइड से। ये देखिए यहाँ से भी नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पे आके आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, वहाँ पे भी जगह है, वहाँ पे भी लेके चलता हूँ आप लोग को थोड़ी देर पे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। आप लोग भी आते हैं तो फुल सेफ्टी के साथ आइएगा, हर चीज़ लेके आइएगा, पानी वानी सब लेके आइएगा। मैं भी हर चीज़ लेके आया था क्योंकि मैंने वीडियो देख के आया था, तो हर चीज़ लेके आया था। तो आप भी आए तो पूरा देख के आइएगा हर चीज़। बहुत ही ऊपर पहाड़ है। तो चलते चलते आगे और आप लोग को लेके चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। यहाँ का आप लोग ने व्यू देख लिया होगा कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा सा व्यू है। तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। मेरा तो ड्रीम पूरा हो गया। यहाँ कैसा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल सा जगह है, देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आगे। आगे और है आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है। यहाँ पे चट्टान है, चलते हैं वहाँ पास जाएंगे आप लोग को लेके। ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत सा है। इतने दिन से डिले हो रहा था बट आज फाइनली मैं यहाँ आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत है प्लेस है। मैंने आप लोगों को कहा था अगर आप लोग वीडियो अगर स्किप नहीं करेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ देखने को मिलेगा और आप लोग भी यहाँ आ सकेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा जगह है। पार करके तो उधर जा नहीं सकते क्योंकि बीच में ये है। बाकी आप लोग देख लो यहीं से इतना ब्यूटीफुल सा दिख रहा है। उधर जाने के लिए अपने को ये पार करना पड़ेगा, ये पार करना पड़ेगा। ये देखिए। तो चलिए आप लोग के लिए रिस्क लेके चलते हैं। हम इधर साइड आ चुके हैं और आप लोग को आगे चल के दिखाते हैं खूबसूरत सा व्यू। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो आएंगे अगर आप लोग आते हैं। आप लोग अगर आएंगे तो आप लोग भी यहाँ का मज़ा ले पाएंगे। यहाँ पे बोलते हैं कि क्रिकेट खेलने आते हैं। पहले लोग क्रिकेट खेलने आते थे। तो अंदर भी जा सकते हैं बट मैं रिस्क नहीं लूँगा। ये इधर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स तो चलिए चलते हैं। यहाँ से हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, वाटरफॉल है। तो चलिए चलते हैं वापस नीचे। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स तो चलिए चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करे बिना मत जाइएगा। बाजू में घंटी का ऑप्शन आ रहा है उसको दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। मिलते हैं एक नए सफ़र में एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए चलते हैं। ऐसे ही आप लोग के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाते रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स बहुत ही। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। वहाँ मैं फ़ोटोज़ अपलोड करते रहूँगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।